हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिस्टम एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन पढ़ेंगे। ये सिस्टम की डेफिनेशन है। दिस सिस्टम फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ द सी सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इट इज़ यूज टू पास द कमांड्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन द कमांड्स प्रोसेसर और द टर्मिनल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइनली रिटर्न्स द कमांड आफ्टर इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। ठीक है फ्रेंड, आप इस डेफिनेशन को एक दफ़ा पढ़ लें, अगर आपको समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो ये प्रैक्टिकली समझने वाली बात है, तो मैं आपको प्रोग्राम में इसको समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। इसमें सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक पॉज है और एक है CLS। ठीक है, सिस्टम पॉज जो ये जो सिस्टम पॉज है ये क्या करता है, ये यूज़र को एक मैसेज शो करता है। वो मैसेज होता है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और ये ब्लैक स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक हम कोई बटन प्रेस नहीं करते कीबोर्ड से। और ये जो सिस्टम CLS है ये क्या करता है कि क्लियर स्क्रीन करता है। क्लियर स्क्रीन कैसे करता है वो हम देखेंगे, इससे पहले हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन भी पढ़ लेते हैं। क्लियर स्क्रीन क्लियर द कंसोल स्क्रीन, इट इज प्री डिफाइंड फंक्शन इन द कोन आईओ डॉट एच। अगर हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो हमें अपने प्रोग्राम में ये फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी, हेडर फाइल conio.h। इट क्लियर्स द आउटपुट ऑफ प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम फ्रॉम द कंसोल। ठीक है, ये इससे पहले जो भी ब्लैक स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले हुआ होगा यूज़र को, उसको क्लियर करेगा और जो फ्रेश आउटपुट होगा उसको डिस्प्ले करवाएगा। ये क्लियर स्क्रीन सेम वही काम करता है यहाँ पर जो CLS सिस्टम CLS करता है। ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन को हमारा डेव C++ जो है ये सपोर्ट नहीं करता। अगर आप ये क्लियर स्क्रीन को इसकी एग्जांपल देखना चाहो तो इसके लिए आपको टर्बो C++ हमारा जो पुराना कंपाइलर है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड मैं इसको कंपाइलर को ओपन कर लेता हूँ उसको बंद करके। ये फ्रेंड हमारा कंपाइलर ओपन हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट एफ कर लेता हूँ। प्रिंट एफ में मैं लिख लेता हूँ डिस्प्ले फर्स्ट लाइन। ठीक है, इस पर लास्ट में मैं न्यू लाइन लगा देता हूँ स्लैश एन के साथ। इसको मैं कंपाइलर रन करूँगा तो आप सबको पता है फ्रेंड कि ये डिस्प्ले फर्स्ट लाइन करवाएगा हमें। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ डिस्प्ले सेकेंड लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू लाइन लगा देता हूँ एक। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये भी आपको पता है ये दोनों लाइन्स हमें डिस्प्ले होंगी ब्लैक स्क्रीन पे। ठीक है, मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, ये देखें फ्रेंड। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके दरमियान में सिस्टम पॉज लगा देता हूँ तो फिर ये क्या करेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉज। तो फिर हम देखते हैं इसको कंपाइल एंड रन करके, ये देखें फ्रेंड, ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है डिस्प्ले फर्स्ट लाइन एंड ये सिस्टम पॉज की वजह से ये मैसेज शो हो रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और साथ ही ये ब्लैक स्क्रीन जो है स्टॉप हो गई है। जब हम कोई भी बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये फिर आगे जाएगा इससे, नहीं तो यहीं पर रुका रहेगा। मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये डिस्प्ले सेकेंड लाइन भी हमें मिल गया। ठीक है, ये जो सिस्टम पॉज है इसका बस यही काम है। इसके बाद हम देख लेते हैं CLS। फ्रेंड ये CLS फंक्शन क्या करता है, इससे ऊपर का जितना भी कोड होता है उसको क्लियर कर देता है और इसके नीचे जो कोड होता है इसको डिस्प्ले करवा देता है। जैसे ही मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा मुझे सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन डिस्प्ले होगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए सिर्फ डिस्प्ले होगी, उसके बाद ये सिस्टम क्लियर कर देगा इस फर्स्ट लाइन को और सेकंड लाइन को डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है फ्रेंड, आप इसको ज़रा गौर से देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। देखें थोड़ी देर के लिए मुझे डिस्प्ले फर्स्ट लाइन, ठीक है, देखें पहले मुझे डिस्प्ले फर्स्ट लाइन दिखाई दिया था, उसके बाद सिस्टम CLS ने क्या किया कि डिस्प्ले फर्स्ट लाइन को ख़त्म किया और इसके नीचे जो कोड था उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो फ्रेंड CLS फंक्शन का यही काम है, और यही काम सेम उसका है क्लियर स्क्रीन का CLRSCR। लेकिन ये जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन है ये हमारे सिस्टम में ये जो डेव C++ है इसमें ये वर्क नहीं करता, ये हमें एरर देता है। देखिए फ्रेंड, ये एरर इसलिए देता है क्योंकि ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन डेव C++ सपोर्ट नहीं करता।
अगर हम ये क्लियर स्क्रीन की एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए टर्बो सी प्लस प्लस। तो मेरे पास तो ये टर्बो सी प्लस प्लस फ़िलहाल नहीं है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं क्लियर स्क्रीन को, CLRSCR को देखना चाहते हैं, तो आप टर्बो सी प्लस प्लस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें और सेम यही कोड उस पर लिखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्लियर स्क्रीन जो है ये क्या काम करता है। तो